हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 40th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जहां बात करेंगे वॉल्यूम 10 बुचर बेकर कैंडलस्टिक मेकर की। ये वॉल्यूम एक मिनी सीरीज़ है जिसमें बेसिकली बुचर की कॉमिक ओरिजिन और उसके 7 और पर्टिकुलरली होमलैंडर को लेकर नफरत का रीज़न बताया गया है। तो इशू 60 से पहले स्टोरी वाइज हम इस वॉल्यूम को कवर। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इशू 1, बॉम एली। तो इशू स्टार्ट होता है फॉकलैंड वॉर के एक सीन से। तो जैसा हमें मैलरी ने बताया था कि बुचर ने रॉयल नेवी में रहते हुए फॉकलैंड वॉर में पार्ट लिया था, और उसी के एक फ्लैशबैक से ये इशू स्टार्ट होता है। तो इस सीन में बुचर अर्जेंटीना के कुछ फाइटर प्लेन्स को गिराने में रॉयल नेवी की मदद करता है, जिसकी वजह से बाकी सभी सोल्जर्स उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और सीन चेंज होता है, हम चलते हैं प्रेजेंट डे में, जहाँ बुचर वापस अपने घर आया होता है क्योंकि उसके पापा की डेथ हो गई होती है। घर पहुंचने पर बुचर रॉन नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसने बुचर के आने तक उसके पापा के कॉफिन को रेडी कर दिया होता है। और बुचर के आने पर रॉन उसके पापा के बुरे बिहेवियर को भी डिफेंड कर रहा होता है, जिस बिहेवियर के आगे भी हम बात करेंगे। इसके बाद रॉन वहां से चला जाता है और बुचर अपने पापा की बॉडी के साथ अकेला होता है। बुचर एक चेयर लाकर अपने पापा की बॉडी के पास बैठ जाता है और बोलना शुरू करता है। सबसे पहले बुचर रॉन के उसके पापा को डिफेंड करने की बात पर कहता है, ये लोग तुम्हारे मरने के बाद भी तुमसे डरते हैं जैसा ये पहले डरा करते थे। ये फनी था कि तुम बेकर थे जबकि हमारे नाम में बुचर था। वैसे ये भी था कि बेकर भी तुम सिर्फ दादाजी के सिखाने की वजह से बने थे, वरना तुम ये काम भी नहीं कर रहे होते। और वैसे भी तुम कमाई के लिए क्या करते थे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ तो तुम राजा की तरह ही जिया करते थे, हर किसी को पीट कर और डरा कर रखते थे। बुचर आगे बताता है कि उसकी मम्मी एक संत की तरह थी जो ऐसे आदमी को भी बिना किसी शिकायत के झेल रही थी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बुचर के पापा उसकी मम्मी को पीट रहे होते हैं, और बुचर का छोटा भाई लैनी बेड पर लेटा हुआ डर के मारे कहता है, हमारे पापा भी बाकियों की तरह अच्छे क्यों नहीं हो सकते, हमें ही ऐसे पापा क्यों मिले। जिस पर बुचर गुस्से में लैनी से कहता है, अभी बस तुम सो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके अगले दिन बुचर, उसका भाई और उसकी मम्मी कहीं बाहर जा रहे होते हैं, पर पिछले रात की पिटाई और अब्यूज़ के बाद उनकी हालत सही नहीं होती और वो अचानक से बीच रास्ते में वॉमिटिंग करने लग जाती है। पर जैसा हमने देखा कि बुचर के पापा से उनके नेबरहुड में सब डरा करते थे, और इसी डर के वजह से वहाँ पर बुचर की मम्मी की हेल्प करने कोई नहीं आता, और यहाँ से बुचर के मन में अपने पापा के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुचर स्कूल में भी एक बहुत ही शरारती और बिगड़ा हुआ बच्चा रहता है, और एक दिन तो वो अपने टीचर को ही गालियाँ भी दे देता है, जिसके वजह से उसे सस्पेंड भी कर दिया जाता है, जिस पर उसकी मम्मी भी काफ़ी नाराज़ होती है। लेकिन बुचर नहीं सुधरता, और यहाँ तक कि कुछ टाइम बाद तो वो स्कूल में एक बच्चे से लड़ते लड़ते उसे जान से ही मारने वाला होता है, पर उसके पीई टीचर आकर उसे रोक लेते हैं और बुचर को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिससे उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है। पर उसके पापा इससे काफ़ी खुश होते हैं, और बुचर के स्कूल से बाहर हो जाने के बाद वो बुचर को उसकी पहली ड्रिंक देते हैं और कहते हैं, कुछ लोग लातों के ही भूत होते हैं, क्यों, मुझे लगता है अब टाइम आ गया कि तुम अपनी पहली ड्रिंक लो। देखो बच्चे, ज़्यादातर लोग भीड़ की चाल चलते हैं और जो बोला जाए वही करते हैं, पर हम जैसे कुछ लोग इससे अलग चलते हैं और ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। देखो आज तुमने जो किया वो स्मार्ट नहीं था, मैं तुम्हारे स्कूल से निकले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो तुम वैसे भी कुछ नहीं सीखने वाले थे, मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर तुमने अपने आप को उस टीचर से रुकवाने क्यों दिया। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि हम फ़ायदा उठाना जानते हैं, तो कभी भी किसी को अपने आप को रोकने मत देना, पर हाँ ये बात ज़रूर है कि तुमने एटीट्यूड दिखाया, जो कि एक अच्छी बात है। तुम अपने भाई जैसे नहीं हो, वो अपनी मम्मी जैसा है, या सच बोलूँ तो लड़कियों जैसा भी, पर तुम अलग हो, तुम मेरे जैसे हो। तो इस कन्वर्सेशन से हमें बुचर के पापा के कैरेक्टर और उनकी मैंटेलिटी के बारे में पता चलता है। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद बुचर बताता है कि उसके पापा को हार्ट स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पर इसके बाद भी अपने दूसरे हाथ से एक दिन उन्होंने बुचर की मम्मी की एक आंख में इतनी ज़ोर से मारा कि उनकी वो आंख ख़राब हो गई और वो एक आंख से अंधी हो गई। इस इंसिडेंट पर बुचर अपना आपा खो देता है और एक चाकू लेकर अपने पापा को जान से मारने जा रहा होता है, पर उसका छोटा भाई लैनी उसे ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन बुचर गुस्से में उसकी नहीं सुन रहा होता और वो लास्ट में उसे एक पंच भी मार देता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। पर जैसा कि हमने पहले भी कई इशूज़ में सुना है कि बुचर अपने भाई लैनी से बहुत प्यार करता था, और उसको चोट लगने पर वो इंस्टेंटली उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, जिस पर लैनी उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे जेल जाना पड़ जाएगा और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, साथ ही उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ उनके पापा ही अर्न करते हैं। उसके अलावा उसकी मम्मी ना सिर्फ विधवा हो जाएगी, बल्कि उनके खुद के बेटे ने ऐसा काम किया है, ये जानकर उनको और भी ज़्यादा दुख होगा। लैनी के इतना समझाने के बाद बुचर फाइनली मान जाता है और चाकू छोड़कर लैनी के लिए चाय बनाता है, और इस तरह से लैनी उस दिन अपने पापा को बचा लेता है। बुचर बताता है कि वो अपने भाई लैनी को बहुत प्यार करता था और किसी और की सुने या ना सुने उसकी ज़रूर सुनता था।
फिर हम फ्लैशबैक में ही देखते हैं कि बुचर अपने भाई को बताता है कि वो अपने पापा की दुकान में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो दुकान में काम करेगा तो एक ना एक दिन वो गुस्से में आकर अपने पापा को मार ही देगा। पर वो अपने पापा पर डिपेंड ना होने के लिए काम भी करना चाहता था, इसलिए उसने रॉयल नेवी को ज्वाइन कर लिया। इशू 2, हैरियट। बुचर आगे बताता है कि उसके नाना जी एक आर्मी सोल्जर थे और उन्हें बुचर अपना हीरो मानता था। वो अपनी मम्मी के साथ उनके पास जाया करता था और उनसे कहानियाँ सुनना पसंद करता था। एक दिन उसने अपने नाना को बताया कि वो भी उनकी तरह एक सोल्जर बनकर वॉर में लड़ना चाहता है, जिस पर उसके नाना जी कहते हैं कि वॉर एक भयानक चीज़ है और वो चाहेंगे कि बुचर कभी वॉर में ना जाए, क्योंकि वॉर में वो ऐसी चीज़ें देखेगा जो उसे हमेशा के लिए बदल देंगी। और तभी सीन चेंज होता है और हम चलते हैं फॉकलैंड वॉर में, जहाँ रॉयल नेवी का एक शिप अर्जेंटीना के कुछ टुकड़ियों पर अटैक कर रहा होता है और पास ही के एक आइलैंड से बुचर और उसके कुछ साथी ये सब देख रहे होते हैं। तभी अर्जेंटीना की नेवी रॉयल नेवी का वो शिप उड़ा देती है, जिसके बाद रॉयल नेवी की वो टुकड़ी, जिसका पार्ट बुचर भी था, वो माउंट कैंट नाम की एक जगह पर उतरकर उस पर कब्जा करने के लिए जा रहे होते हैं। रॉयल नेवी को लगता है कि वहाँ पहले से कई अर्जेंटीनियन सोल्जर्स मौजूद होंगे और उन्हें वहाँ काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, जिस पर जहाँ बाकी सोल्जर्स अपनी जान के लिए डर रहे होते हैं, बुचर बस एक्साइटेड होता है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बुचर इस टाइम सिर्फ 17 साल का ही है। पर जैसे ही वो उस माउंट पर उतरते हैं, वो पाते हैं कि वो माउंट खाली पड़ा था, जिसके बाद एक वीक तक उस माउंट पर निगरानी रखने के बाद वो हैरियट नाम की जगह पर कब्जा करने का प्लान करते हैं, जिस पर कब्जा करने के बाद यूके वो वॉर जीत जाता। तो उनकी यूनिट के सार्ज हैरियट पर अटैक करने वाले प्लान के बारे में अपनी यूनिट को बताते हैं, जिसे सुनने के बाद जहां बुचर के साथ ही सोल्जर्स वॉर के बाद भी अपने जिंदा और सही सलामत रहने की विश मांग रहे होते हैं, वहीं बुचर कहता है कि वो बस कुछ लोगों को मारना चाहता है, जिस पर उसके साथ ही भी सरप्राइज होते हैं। पर वो ये कहकर उस टाइम बात टाल देता है कि वो बस लड़ने के लिए थोड़ा क्यूरियस था, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। और सीन फिर फास्ट फॉरवर्ड होता है हैरियट की वॉर पर, जहाँ रॉयल नेवी की हालत ख़राब चल रही होती है। बुचर उसके 3-4 साथी बाकी बची हुई यूनिट से अलग हो जाते हैं और एक जगह फंस जाते हैं। वहीं अर्जेंटीनियन सोल्जर्स मशीन गन से लगातार उनकी तरफ फायर कर रहे होते हैं। बुचर अपने साथियों से कहता है उन्हें उस जगह से निकलकर सीधा पोजीशन पर अटैक करना होगा, वरना कुछ देर में वो मोर्टार से कंटिन्यूस अटैक करके उन्हें वैसे भी मार ही देंगे। बुचर प्लान बनाता है कि वो एक स्मोक ग्रेनेड फेंकेगा और स्मोक के थ्रू जाते हुए वो अपने अपोजिशन पर अटैक करके उन्हें ख़त्म कर देगा, क्योंकि मशीन गन के सामने डायरेक्ट अटैक में उनके बचने के चांसेस काफ़ी कम थे। तो उनमें से एक सोल्जर बुचर का प्लान फॉलो करने से मना कर देता है, पर बुचर उसके मुंह पर गोली रखकर कहता है कि कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा, जिसके बाद वो सभी बुचर के प्लान को फॉलो करते हैं। बुचर उनको लीड करता है और भागते हुए जाकर अपोजिशन सोल्जर्स को मारने में कामयाब हो जाता है और सेलिब्रेट करने लगता है। पर जब बुचर मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अलावा उसके बाकी सभी साथी सोल्जर्स वहाँ मारे जा चुके थे। इसके बाद बुचर को भी रियलाइज़ होता है कि उसको भी सीने में एक गोली लग चुकी है, और ये देखने के बाद बुचर भी एक जगह लेट जाता है और उस मोमेंट के बारे में बताते हुए कहता है, मुझे लगा था कि अब मैं आखिरी बार अपनी आँखें बंद करूँगा और इसके बाद अब कभी नहीं उठूँगा। मुझे लैनी और मम्मी को ऐसे छोड़ने पर दुख था, पर मेरी ज़िंदगी का कभी कोई मकसद नहीं रहा था, तो मुझे वहाँ मरने पर कोई अफसोस नहीं था। मैं सच कहूँ तो मुझे उस मोमेंट जितना पीसफुल कभी फील नहीं हुआ। पर ऑब्वियसली बुचर वहाँ बच जाता है और यूके वो वॉर भी जीत जाता है। बुचर आगे बताता है कि वॉर में हमारे लगभग 250 लोग मारे गए और अर्जेंटीना के हमसे भी तिगुना लोग मारे गए। कईयों के दोस्त उनके सामने मरे और कई सोल्जर्स को ऐसी बुरी चीज़ें देखनी पड़ी, जिसकी बात नाना जी ने भी करी थी। इन चीज़ों ने कई सोल्जर्स को हमेशा के लिए बदल दिया, पर मुझे नहीं, मुझे इस वॉर में बस मज़ा आया। पर इस वॉर के बाद जो हुआ वो मुझे बताने में अच्छा नहीं लगता है। और हम देखते हैं कि वॉर के बाद जब बुचर ठीक होकर वापस नेवी में आता है, तब उसके बचे हुए टीममेट्स या तो और बड़ी पोजीशन पर प्रमोट हो चुके होते हैं या फिर नेवी छोड़ चुके होते हैं, और उसके जूनियर्स उससे कहानियाँ सुनने आते हैं, क्योंकि बुचर एक ऐसा सोल्जर होता है जिसने वॉर में सच में किसी को मारा था। बुचर बताता है कि जितना वो ये कहानियाँ जानने के लिए एक्साइटेड थे, जितना वो मुझे बहादुर मानते थे, उतना ही वो मुझसे डर के भी रहते थे, क्योंकि किसी की जान लेकर भी नॉर्मल रहना कोई आम बात नहीं है। यही हम देखते हैं कि बुचर बेवजह अपने जूनियर से लड़ना स्टार्ट कर देता है और उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसकी वजह से उसे नेवी से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि उसे कुछ टाइम जेल में भी रहना पड़ता है। पर जेल से निकलने के बाद भी वो नहीं बदलता और बार्स वगैरह में जाकर लोगों से ज़बरदस्ती लड़ता रहता है और इन बातों को अपनी फैमिली से भी छुपा कर रखता है। ऐसे ही लड़ते हुए एक दिन वो 5-6 ऐसे लोगों की गैंग से भिड़ जाता है जो बुचर को ही पीट देते हैं, लेकिन बुरी तरह से पिटने के बाद भी बुचर फर्श पर लेटा हुआ हंसता रहता है। यहाँ तक कि इसके बाद जब वो आदमी उसे और मारते हैं तब भी वो बस हंसता ही रहता है, और ये मोमेंट हमें बुचर के साइको नेचर को अच्छे से दिखाता है। बुचर उस लड़ाई की बात करते हुए कहता है, पर मुझे उस दिन की मार से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस दिन मैं एक बहुत खास इंसान से मिलने वाला था। इशू 3, इट मस्ट बी लव लव लव। तो उस लड़ाई के बाद पिटा हुआ बुचर ट्रेन में बैठा होता है, तभी उसके बगल में बैठी हुई एक लड़की उस पर हंसते हुए कहती है, तुम पांडा जैसे लग रहे हो। बुचर पूछता है, क्या?
जिस पर लड़की शीशे में बुचर की शक्ल दिखाती है, पर बुचर गुस्सा होने की जगह खुद उस जोक को आगे बढ़ाता है। बुचर बताता है वो इस तरह की ही थी, वो सबका बेस्ट निकालने की कोशिश करती थी। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि वो बैकी सॉन्डर्स है। फिर उसने मुझे पांडा बुलाने के कंपनसेशन में ड्रिंक ऑफर करी और हम दोनों ड्रिंक के लिए चल पड़े। फिर हम देखते हैं कि बुचर और बैकी एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। बैकी बुचर से उसकी फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में पूछती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक सोशल वर्कर है। इसी बीच बुचर की ड्रिंक ख़त्म हो जाती है और वो एक और ड्रिंक लेने के लिए उठता है, लेकिन उठते हुए ये भी कहता है कि वो आते हुए उसी बार में मौजूद एक ग्रुप से लड़कर आएगा। तो उसी दिन पिटने के बावजूद भी बुचर फिर से बेवजह लड़ने जा रहा होता है, लेकिन इस बार बैकी उसका हाथ पकड़कर उसको रोक देती है। बुचर उस टच के बारे में बताते हुए कहता है वो एक हल्का सा टच था, पर उस टच ने मुझे वहीं जमा दिया। जिसके बाद बुचर कहता है ठीक है, मैं लड़ूंगा नहीं, सिर्फ अपने लिए ड्रिंक लेकर आऊँगा। लेकिन बैकी उसके लिए भी जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम बस यहाँ बैठकर मुझसे बातें करते रहो। उसके बाद बुचर और बैकी उस दिन काफ़ी बातें करते हैं। फिर एक वीक बाद वो दोनों दोबारा डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ बैकी को बुचर के अब्यूजिव फादर के बारे में पता चलता है और एज अ सोशल वर्कर बैकी बुचर को एडवाइस देती है कि उसे अपनी मम्मी को अपने पापा से दूर कर देना चाहिए, इसी में उसकी मम्मी की भलाई है। जिस पर बुचर उससे पूछता है पर फिर वो जाएंगी कहाँ, क्योंकि अभी तक वो पापा के साथ ही रहती आई हैं। जिस पर बैकी कहती है कि वो किसी रिलेटिव के वहाँ जा सकती है या फिर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जा सकती है जहाँ उनकी मम्मी जैसी कई और औरतें मौजूद हो। अभी बैकी बोल ही रही होती है कि बुचर उठकर एक और ड्रिंक लेने जा रहा होता है, पर बैकी फिर से उसे रोक देती है। जिस पर बुचर उससे पूछता है कि वो उसे दूसरा ड्रिंक क्यों नहीं लेने देती, जिस पर बैकी जवाब देती है कि तुमने अभी मुझे बताया कि तुम्हारे पापा कैसे दूसरे लोगों और तुम्हारी मम्मी को परेशान करते थे और तुम्हें शायद रियलाइज़ ना हो, पर जब तुम भी ड्रिंक करते हो तो तुम्हारे आँखों में भी मुझे उसी तरह का गुस्सा दिखाई देता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये सुनकर बुचर थोड़ा शॉक होता है और अपने गुस्से का एक रीज़न रियलाइज़ करता है। उसके अलावा स्टोरी से हटकर एक बोनस रेफरेंस यहाँ मैं आपको बताऊं तो इस रेस्टोरेंट के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि शिव जी की एक फ़ोटो लगी हुई है जो हिंदू रिलीजन के एक गॉड हैं। तो गार्थ एनिस ने यहाँ अपने हिंदू फॉलोअर्स के लिए एक रेफरेंस दिया है। इसके अलावा एक और हिंदू गॉड का रेफरेंस हमें आगे दिखाया गया है, वो आप स्पॉट करके कमेंट सेक्शन में बताना। खैर, इसके बाद बुचर बैकी की थोड़ी तारीफ करता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में गुच्चू पुच्चू भी हो जाता है। यहाँ पर बैकी नोटिस करती है कि बुचर के चेस्ट में एक स्कार होता है, जो कि जैसा अभी हमने देखा कि फॉकलैंड वॉर के एंड में बुचर को मिला होता है। बैकी उस स्कार के बारे में पूछती है, बुचर वॉर के बारे में बताना शुरू करता है, पर जैसे ही बैकी वॉर का नाम सुनती है वो बुचर को चुप करा देती है, ये कहते हुए कि वो कोई वॉर स्टोरी नहीं सुनना चाहती। इसके बाद बुचर बैकी को अपनी फैमिली से मिलवाता है और बैकी और बुचर को देखने के बाद लैनी बुचर से कहता है बैकी लाखों में एक है, उसे कभी मत खोना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब तुम दोनों को एक साथ देखा तो मैंने तुम्हें पहली बार इतना खुश पाया, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने तुम्हें इतना पीसफुल कभी नहीं देखा। तो अगर आपको रियलाइज़ हुआ हो तो अभी कुछ देर पहले ही यही चीज़ बुचर ने फॉकलैंड वॉर के एंड के टाइम भी कही थी, तो एक तरह से बैकी के साथ वो फिर से पीसफुल बन गया था। खैर, बुचर आगे बताता है कि फिर बुचर लैनी और बैकी ने मिलकर उसकी मम्मी को समझाया कि उसके पापा ने हमेशा से उन्हें टॉर्चर ही किया है, तो अब टाइम आ चुका है कि वो उनसे अलग हो जाए। और काफ़ी समझाने के बाद फाइनली बुचर की मम्मी उसके पापा से दूर जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम चलते हैं सीधा उस दिन में जब बुचर की मम्मी फाइनली उसके पापा के घर से जा रही होती है। यहाँ पर लैनी, बुचर और बैकी भी मौजूद होते हैं। उसकी मम्मी के जाते हुए बुचर के पापा पहले उसकी मम्मी को और फिर उसके बाद बैकी को उनको अलग करने के लिए सुनाने लग जाते हैं, जिस पर बुचर गुस्से में आकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाकी लोग बुचर को रोकने लग जाते हैं। जब बुचर ने उन्हें पकड़ ही रखा होता है तो तब उसके पापा उससे कहते हैं मुझे पता है तुम हमेशा से ही मुझे मारना चाहते थे, पर तुमने कभी हिम्मत ही नहीं करी, और अब जब तुम्हें पता है मैं लड़ने की हालत में नहीं हूँ तब तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो, पर खैर ठीक ही है, इस बेकार बॉडी में रहने से अच्छा अब तुम मुझे मार ही दो। पर तभी बैकी बुचर के पास आकर कहती है इन्हें देखो बुचर, ये इस लायक भी नहीं है, और बैकी की बात सुनकर बुचर उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुचर एक दिन बैकी को प्रपोज करता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है, और ये बुचर की लाइफ का गोल्डन टाइम होता है क्योंकि फाइनली यहाँ उसकी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है और बुचर खुश होता है। हालांकि ये खुशियाँ ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाती क्योंकि इसके आगे बुचर की लाइफ में कई ट्रेजेडीज़ आने वाली हैं। इशू 4, द लास्ट टाइम टू लुक ऑन दिस वर्ल्ड ऑफ लाइज। तो बुचर की शादी के कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बुचर किसी के फ्यूनरल में मौजूद होता है, और तभी बुचर बताता है कि ये फ्यूनरल उसके भाई का होता है जो एक बस एक्सीडेंट में मारा जाता है। बुचर अपने पापा की बॉडी से कहता है तुम अपने ही लड़के के फ्यूनरल में नहीं आए, वैसे तुम्हें पता नहीं था पर लैनी ही तुम्हारे इतने टाइम तक जिंदा रहने की वजह था, वरना मैं तो तुम्हें पहले ही मार देता। ऑब्वियसली बुचर इस इंसिडेंट से काफ़ी शॉक और दुख में होता है क्योंकि उसे अपने भाई से बहुत प्यार होता है और उसकी डेथ भी काफ़ी रैंडम और अनएक्सपेक्टेड होती है, पर ये तो बुचर की लाइफ की ट्रेजेडीज़ की बस शुरुआत ही होती है। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बैकी एक बच्चा प्लान कर रही होती है, पर बुचर उसके लिए मना कर देता है।
बैकी बुचर से मना करने का रीज़न पूछती है, जिस पर बुचर कहता है कि उसे डर है कि कहीं वो भी अपने पापा जैसा ही ना बन जाए। पर इस पर बैकी कहती है कि नहीं, उसे भरोसा है वो उनसे अच्छा बनेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छा हस्बैंड है। जिसके बाद बुचर कहता है, पर वैसे भी तो ये दुनिया कितनी बेकार ही है, तुम सच में चाहती हो कि हमारा बच्चा ऐसी दुनिया में जिए? जिस पर बैकी जवाब देती है, पर इस दुनिया में हम जैसे लोग भी तो हैं। जिस पर बुचर कहता है, हाँ वो तो है, पर हम अभी किसी जल्दी में नहीं है। जिस पर बैकी कहती है, हाँ मैं अभी 26 की ही हूँ तो कोई जल्दी तो है नहीं। जिस पर बुचर जवाब देता है, तो हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। और ऐसा कहते हुए बुचर उस टाइम के लिए इस बात को टाल देता है। इस इंसिडेंट को याद करते हुए प्रेजेंट टाइम का बुचर कहता है, पर मैंने इस बात को कभी रिग्रेट नहीं किया क्योंकि अगर सच में कोई बच्चा हो भी जाता तो मैं तो उसे अकेला इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता। पर फिर बुचर थोड़ा रुक कर खुद ही कहता है, पर यह सच नहीं है, मेरे डिसीजन ने बैकी को नाराज़ किया था और मुझे इस बात का रिग्रेट हमेशा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बुचर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम करने लग जाता है और बैकी तो ऐसा सोशल वर्कर काम करती ही रहती है। बुचर का नेचर भी अब ठीक हो जाता है और वो दोनों खुशी से जी रहे होते हैं। फिर कुछ सालों तक पैसा जमा करने के बाद बैकी बुचर के बर्थडे पर मायामी बीच पर एक हफ्ते की ट्रिप प्लान करती है, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ सेवन भी आ जाती है जो कि किसी जिला गोरिल्ला नाम के सुपर विलन को हराने का सेलिब्रेशन करने वहाँ आए होते हैं। बेसिकली गॉडज़िला की पैरोडी, बट ऑब्वियसली वो भी फेक ही है। उस बीच पर सेवन से मिलने के लिए भीड़ जमा हो जाती है, पर बुचर और बैकी को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता और वो उन्हें क्रीप कहकर बस अपने में इंजॉय कर रहे होते हैं। पर फिर आता है बुचर का लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो उनकी ट्रिप की सेकंड लास्ट नाइट में डिनर करने के बाद बुचर बाहर टहलने निकल जाता है। बैकी उसके साथ आने से मना कर देती है क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी होती है और वो बस रूम में रुक कर बुक पढ़ना चाहती है। पर जब बुचर वापस आता है तो बैकी लाइट बंद करके लेटी हुई होती है और बुचर के आने पर कहती है कि उसे अपनी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है, इसलिए वो ऐसे लेटी हुई है। बुचर आगे बताता है कि बाकी बची हुई ट्रिप में भी बैकी ऐसे ही रही और अब बुचर को भी रियलाइज़ हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर बैकी उसे कुछ बता नहीं रही थी और ना ही बुचर को कुछ समझ आ रहा था। वापस घर आने पर भी वो बहादुर दिखने की कोशिश कर रही थी, पर बैकी को झूठ बोलना नहीं आता था और इससे साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी उस बात से परेशान है जो वो बता नहीं रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस सब के बीच में बुचर एक बार लैनी की ग्रेव पर भी जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि बैकी को कभी मत खोना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे खो रहा हूं, पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद बुचर बैकी को चेयर अप करने की कई कोशिश करता है पर कुछ भी काम नहीं करता। फिर उनकी ट्रिप के लगभग 3 महीने बाद एक रात जब बुचर सो रहा होता है तो उसे अचानक से कुछ आवाज़ आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसे दिखता है कि एक फीटस हवा में उड़ रहा होता है जिसकी आंखों से लेज़र बीम भी निकल रही होती है। वो फीटस बुचर पर अपनी बीम से अटैक करने लग जाता है, पर बुचर बचते हुए एक लैम्प की मदद से उस फीटस को मार देता है और उसे मारने के बाद वो बैकी की तरफ मुड़ता है, पर यहाँ वो देखता है कि बैकी ऑलरेडी मर चुकी होती है। एक्चुअली बैकी बुचर के उठने से पहले ही मर चुकी होती है क्योंकि वो फीटस बैकी का पेट फाड़कर ही बाहर आया होता है, पर बुचर को ऑब्वियसली यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो इस सच को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता कि उसकी प्यारी बैकी मर चुकी है। और वो उसकी बॉडी को देखकर कहने लगता है, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और यहाँ से बुचर की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। इशू 5, हियर कम्स अ कैंडल टू लाइट यू टू बेड। बैकी की डेथ के बाद वार्ड को भी अपने लोकल इन्फॉर्मर्स के थ्रू इस इंसिडेंट का पता चलता है और वो जल्दी से बुचर को कस्टडी में ले लेते हैं, जिस वजह से बुचर बैकी की फ्यूनरल में भी नहीं जा पाता। कस्टडी में वार्ड का एक आदमी बुचर को बताता है अगर बुचर उनके नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म में साइन करके इस बारे में किसी को नहीं बताता है तो वो दुनिया को ये कहानी बताएंगे कि बैकी प्रेग्नेंट थी और मिसकैरेज होने की वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो गई जिससे वो मर गई। इस कहानी में बुचर को कुछ नहीं होगा, पर अगर बुचर ने इस पर साइन नहीं किया तो वो दुनिया को ये बताएंगे कि बुचर ने बैकी को मार दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि बैकी के पेट में उसके लवर का बच्चा था और उसके पास्ट को कंसीडर करते हुए किसी के लिए भी ये बात मानना मुश्किल नहीं होगा। बुचर ये सब सुनकर उस एजेंट से बड़े आराम से पूछता है, क्या तुम मैरिड हो? जिस पर वो एजेंट हाँ कहता है और बुचर उससे आगे पूछता है, तुम्हें ये जानकर कैसा लगेगा कि तुम अपनी बीवी को अब कभी नहीं देख पाओगे? इस बात पर एजेंट कुछ बोल पाता उससे पहले ही बुचर उस एजेंट की दोनों आंखें फोड़ देता है और वहाँ खड़े बाकी सिक्योरिटी एजेंट्स उसे रोकने आ जाते हैं और इसके बाद बुचर को एक बार फिर जेल जाना पड़ जाता है। जेल में बुचर से मिलने मैलरी आता है और ये फर्स्ट टाइम होता है जब मैलरी और बुचर मिले होते हैं। मैलरी सबसे पहले बैकी की डेथ पर दुख जताता है जिसके बाद वो बुचर को बताता है कि बैकी को ऑलरेडी बरी किया जा चुका है और ये भी कि मैलरी के कहने पर वॉट उस स्टोरी के साथ गई है जिसमें बैकी को इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। फिर मैलरी बुचर को अपने CIA में होने और वॉट और उसके सूप्स के बारे में भी बताता है, जिसके बाद मैलरी उसे बताता है कि बैकी की डेथ के बाद जब उनके लोग अपार्टमेंट की छानबीन कर रहे थे तो उन्हें बैकी की एक डायरी मिली, जिस पर बुचर सरप्राइज होकर कहता है, पर मुझे तो ऐसे किसी डायरी के बारे में नहीं पता था, बैकी के पास तो कोई डायरी नहीं थी। मैलरी बताता है कि हमें ये छानबीन में मिली, हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें इस डायरी के बारे में ना बताना चाहती हो। फिलहाल मैं तुम्हें अपनी वाइफ के डायरी के साथ प्राइवेसी देता हूँ और मैं 1 घंटे बाद आकर तुमसे पूछूंगा कि तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं।
जिस पर बुचर कहता है, देखो तुम जो भी हो, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा। जिस पर मैलरी कहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस फॉर्म को साइन कर देते हैं, कुछ लोग थोड़ा दिमाग लगाकर पैसे की बात करने लगते हैं, पर तुमने तो उनके एजेंट की आँख ही बाहर निकाल दी। और ऐसा कहते हुए मैलरी वहाँ से चला जाता है बुचर को बैकी की डायरी के साथ छोड़कर। बुचर बैकी की डायरी पढ़ना शुरू करता है और उस पोर्शन पर पहुँचता है जब वो मायामी घूमने गए थे। बैकी लिखती है कि उस रात डिनर के बाद बुचर टहलने चला गया था और बैकी थकान की वजह से रूम में ही रुककर बुक पढ़ रही थी और उसने अपनी खिड़की थोड़ी सी खोल रखी थी ताकि रूम में ठंडी हवा आती रहे। और बुक पढ़ते पढ़ते बैकी की आँख लग गई, पर जब वो थोड़ी देर में उठी तो उसने देखा कि खिड़की पूरी खुली हुई थी और उसके बेड के पास एक आदमी खड़ा हुआ था। पहले तो बैकी को समझ नहीं आया कि वो कौन है, पर फिर उसे ध्यान आया कि ये उनमें से ही एक है जिन्हें उन्होंने उस दिन बीच पर देखा था। उसने एक क्लोक पहन रखा था और उसके कंधे पर ईगल लगा हुआ था। मैं उसे अपने बेड के पास देखकर काफ़ी डर गई थी, पर इससे पहले मैं कुछ कर पाती उसने अपना एक हाथ मेरे गले पर रख दिया और मुझे उसकी पावर का अंदाज़ा हुआ। मुझे पता था कि वो अपनी पूरी फोर्स यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके बाद जो हुआ वो बैकी लिख नहीं पाती, बट हमें पता चल ही जाता है कि उस सूप ने, जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होमलैंडर ही लग रहा है, उसने बैकी को सेक्सुअली हरेस किया। तो यहाँ तक तो बुचर को ये पता चलता है कि बैकी के साथ उस रात क्या हुआ, लेकिन इसके आगे के पार्ट में बुचर को ये पता चलता है कि आखिर बैकी ने बुचर को ये बात क्यों नहीं बताई, जिससे इवेंचुअली बैकी की डेथ भी हो गई। तो बैकी लिखती है कि बुचर के आने तक वो सूप वहाँ से चला गया था। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और ट्रिप ख़त्म होने तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अचानक से ये क्या हुआ। वापस आने के बाद बैकी ने थोड़ा पता लगाया और उसे पता चला कि जो सूप उसके रूम में उस दिन आया था वो होमलैंडर था। फिर बैकी आगे लिखती है कि पर वो ये बात किसी भी हालत में बुचर को नहीं पता लगने देना चाहती थी, क्योंकि बैकी को समझ आ गया था कि ये लोग फिजिकली और लीगली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। पर अगर बुचर को सच पता चल गया तो वो बैकी के रोकने पर भी नहीं रुकेगा और होमलैंडर से लड़ने चला जाएगा, इस बात की परवाह किए बिना कि होमलैंडर बुचर को आराम से मार सकता है और इससे बुचर की नेगेटिव साइड वापस आ जाएगी। और इसलिए बैकी ने बुचर को कुछ नहीं बताया। बैकी को दिख रहा था कि बुचर उसके लिए परेशान है, पर वो ना रीज़न समझ पा रहा था और ना ही बैकी उसे खुद ये सब बता पा रही थी। और बिना किसी गलती के उन दोनों को ये सज़ा मिल रही थी, जिससे उनकी खुशहाल ज़िंदगी बर्बाद होने को आ गई थी। फिर बैकी आखिर में लिखती है, बिली मुझे बहुत ही स्पेशल और ग्रेट समझता है, पर सच तो ये है कि मैं एक बस नॉर्मल लड़की हूँ जो बस उससे प्यार करती है। और ये पढ़ने के बाद बुचर अपनी चेयर को गेट पर ज़ोर से मारकर गेट खोलने के लिए कहता है। तो एक तरह से आप देखें तो बुचर भी बैकी की मौत का रीज़न बना, क्योंकि अगर उसने पास में इतना एग्रेसिव नेचर ना दिखाया होता तो शायद बैकी बिना बुचर के बुरा बनने की परवाह किए उसे सच बता देती और एटलीस्ट वो टाइम रहते उस फीटस का कुछ करके बैकी की जान को तो बचा ही लेते। पर बैकी ऐसा नहीं कर पाई और इवेंचुअली उसकी डेथ हो गई। खैर, मैलरी वापस बुचर के पास आता है। बुचर उससे गुस्से में कहता है उसने 3 महीने तक कुछ नहीं बोला। मैलरी बुचर को कंपाउंड वी के बारे में बताता है और ये भी कि उसके वजह से ऐसे फीटस की ग्रोथ नॉर्मल फीटस से काफ़ी तेज़ी से होती है, जैसा हमने बैकी की केस में भी देखा कि वो फीटस महज 3 महीने में ही बड़ा होकर बाहर आ गया। फिर मैलरी आगे कहता है, देखो अगर तुम डायरेक्टली उससे लड़ने जाओगे तो वो तुम्हें जान से मार देगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, पर इससे तुम्हें अपनी वाइफ का बदला नहीं मिल पाएगा। पर अगर तुम डिसिप्लिन दिखाकर वेट करो और जैसा मैं तुम्हें करने को कहता जाऊँ वो सब करते रहो तो एक दिन मैं उसे तुम्हारे हवाले ज़रूर करूँगा। बुचर पूछता है, वो कैसे? मैलरी जवाब देता है, वो मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। इस प्रोसेस में शायद कई साल या कुछ दशक भी लग सकते हैं, पर अगर अभी तुम मुझ पर विश्वास करो तो एक दिन मैं उसे तुम्हारे सामने पेश कर दूँगा और इस तरह से कि तुम गारंटीड अपना बदला ले सको। जिस पर बुचर कहता है, ओके आई मीन। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि बुचर के रिक्रूटमेंट के टाइम मैलरी ने उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े वादे कर दिए थे। आई मीन उसने लिटरली बुचर को गारंटी दे दी थी। और यहाँ से हमें समझ आता है कि आखिर लास्ट वॉल्यूम में बॉयज़ के प्लान के फेल होने पर बुचर ने मैलरी को इतना भला बुरा क्यों कहा था, क्योंकि मैलरी ने यहाँ उसे इतने बड़े बड़े वादे करके उसे अपनी टीम में लेकर कई सालों तक उससे काम करवाया, पर आखिर में वो अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाया। खैर, मैलरी ने बुचर को वहीं पर पैसे और उसका नया पासपोर्ट दिया और उसे बताया कि अब वो एक अमेरिकन सिटीजन बनकर रहेगा। बुचर अपने पापा की बॉडी से कहता है, उसने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बातों पर खड़ा उतरेगा, इसलिए मैंने भी ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा नहीं सोचा। फिर हम देखते हैं कि मैलरी बुचर का एक टेस्ट लेता है, जहां वो बुचर को गन देकर एक मेंशन में भेजता है जहां कई सूप्स मौजूद होते हैं। मैलरी बुचर से कहता है कि वो चाहता है कि मेंशन में मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए, और बुचर एक एक करके वहां मौजूद सभी इंसानों को जान से मार देता है। जिसके बाद बुचर जब वापस आता है तो मैलरी उससे पूछता है कि गन कहाँ है। बुचर कहता है, मैंने वहीं छोड़ दी, मैं उस पूरी जगह को जलाने वाला था ताकि हमारा कोई भी ट्रेस यहाँ ना रहे, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम एक मैसेज सेंड करना चाहते हो और इसलिए मैंने सबूत के तौर पर वो वेपन वहीं छोड़ दिया। बाय द वे थैंक्स। मैलरी उससे थैंक्स की वजह पूछता है, जिस पर बुचर कहता है, क्योंकि तुम्हारे वजह से पुराना बुचर वापस आ गया है। इशू 6, एवरी वन ऑफ यू सन ऑफ।
मैलरी को ज्वाइन करने के बाद कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बुचर और मैलरी एक सूप के पास जाते हैं जिसने किसी पुलिस वाले को मार दिया होता है। यहाँ बुचर उसे ब्लॉक विदाउट फियर कह रहा होता है और यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि इसके पास एक स्टिक भी है। तो ये बेसिकली MCU के डेयर डेविल की पैरोडी है। बुचर और मैलरी उसे धमकाते और डराते हैं और सूप को बाकी सूप्स में भी उनकी बातें फैलाने के लिए कहते हैं ताकि सूप्स के बीच में उनका डर बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि बुचर और मैलरी एक मिशन के लिए लेजेंड के पास जाते हैं और बुचर की ये लेजेंड से पहली मीटिंग होती है। यहाँ पर हमें एक फन नोट देते हुए लेजेंड के पास उनके असिस्टेंट का कॉल आता है जिसमें वो लेजेंड से कहता है कि दूसरी लाइन पर गार्थ हैनिस आपसे बात करना चाहते हैं, जिस पर लेजेंड कहता है उसे बोलो कि वो बाहर में जाए क्योंकि विक्ट्री कॉमिक्स में हमें कोई ब्रिटिश नहीं चाहिए। तो यहाँ गार्थ हैनिस ने अपने ही कॉमिक में अपना मेंशन एक फन वे में करवाया है। खैर, इसके बाद मैलरी लेजेंड से एक वेब वीवर नाम के एक सूप की डिटेल मांगता है जो कि आई थिंक स्पाइडरमैन की पैरोडी है, पर लेजेंड बताता है कि वो कभी किसी टीम का पार्ट नहीं रहा है तो उसके बारे में लेजेंड के पास भी ज़्यादा डिटेल नहीं है। हालांकि लेजेंड यहाँ उनसे वासिली वॉशिकिन यानी लव सॉसेज से मिलने के लिए कहता है क्योंकि वो वेब वीवर के साथ कुछ टाइम रह चुका था। बुचर जो कि हर सूप से नफरत करता है उस टाइम लेजेंड के इस आइडिया पर काफ़ी नाराज़ होता है और बस सूप्स को ख़त्म करने की बात कर रहा होता है, जिसे सुनकर लेजेंड बुचर को कोई कैट या डॉग एज अ पेट रखने के लिए कहता है ताकि वो फिर से केयर करना सीखे और हर बार लोगों को मारने की बात ना करता रहे। और यहाँ हमें बुचर का टेरर को रखने का आइडिया पता चलता है। बुचर अपने डैड से कहता है वाह सच में एक अच्छा इंसान निकला और वेब वीवर वाला मिशन भी सही से हो गया। उसके एक साल बाद हमने बॉयज़ टीम को भी इकट्ठा कर लिया। फिर हम देखते हैं कि बुचर 12 साल बाद अपनी मम्मी से मिलने जाता है। उसकी मम्मी इतने टाइम बाद बुचर को देखकर काफ़ी खुश होती है, साथ ही ये भी देखकर कि बुचर के पास एक डॉग है जिसकी वो केयर कर रहा है। बुचर अपनी मम्मी का दिल रखने के लिए झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अमेरिका में एक पर्सनल बॉडी कंसल्टेंट यानी कि एक बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। ये सुनकर बुचर की मम्मी काफ़ी खुश होती है कि इतनी ट्रेजेडीज़ के बाद भी बुचर एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, पर ऑब्वियसली ये सच नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि बुचर के पापा को छोड़ने के बाद उसकी मम्मी ने किसी और के साथ शादी कर ली होती है जो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है। लास्ट में बुचर की मम्मी उसे बैकी की ग्रेव पर जाने के लिए कहती है क्योंकि बुचर बैकी की ग्रेव पर आज तक नहीं गया होता है और बुचर फाइनली बैकी की ग्रेव पर चला जाता है। बुचर उस दिन को डिस्क्राइब करते हुए अपने पापा की बॉडी से कहता है मैंने जैसे सोचा था मैंने वैसे इमोशंस नहीं दिखाए, मैंने एक स्पीच भी तैयार करी थी कि कैसे मैं शर्मिंदा हूँ वही चीज़ें करने के लिए जो बैकी ने मुझे मना करी थी, पर मैंने वो स्पीच नहीं बोली क्योंकि सच ये है कि बैकी वहाँ नहीं थी। सच ये था कि बैकी जा चुकी थी। मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो और जो आगे करने वाला हूँ बैकी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, और सच ये भी है कि मैं बैकी से ज़्यादा अपने लिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि बैकी के साथ ऐसा कुछ करने वाला ज़िंदा रहे, पर उसे कुछ नहीं पता चलने वाला क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं पुनर्जन्म या आफ्टर लाइफ में विश्वास नहीं करता क्योंकि जो कुछ भी मैं कर चुका हूँ उसके बाद मैं बैकी से कभी नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। तो ये थी मेरी कहानी जो मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया था। आजकल हर कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में सबको बता देता है और फिर वो रोते हैं कि सब उनका फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं, पर मेरी कहानी सिर्फ हम दोनों को पता रहेगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक और चीज़ तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ, वो एक चीज़ जो बैकी की वजह से हो पाई और जिस पर मैं काफ़ी प्राउड हूँ, और वो ये है कि मैंने मम्मी को तुमसे दूर कर ही दिया। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि वो कुछ साल पहले मर गई थी, पर उन्होंने आखिर में एक अच्छी ज़िंदगी जी जो तुम कभी उन्हें नहीं दे पाए। उन्हें एक अच्छा आदमी मिला जिसने उन्हें हर दिन खुश रखा जो तुम उन्हें नहीं रख पाए। और हाँ, मैंने उनसे झूठ भी बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें ये पता चले कि तुम्हारा इविल मुझ में भी है। कई लोग ये सोचते हैं मैं जैसा अभी हूँ वो मुझे मैलरी ने बनाया है, पर सच ये है कि मैं हमेशा से ही इतना बुरा था। मैलरी ने तो बस मेरी कैंडल को वापस जला दिया और मुझे उसी ट्रैक पर ला दिया, पर ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा क्राइम मैं हूँ। तो यहाँ बुचर ये कह रहा होता है कि उसके अकॉर्डिंग उसके पापा के सभी क्राइम्स में से सबसे बड़ा क्राइम बुचर जैसे क्रिमिनल और साइको को पैदा करना होता है। और एक्चुअली बुचर के कैंडल वाले डायलॉग से हमें ये पता चलता है कि इस वॉल्यूम का टाइटल बुचर बेकर कैंडलस्टिक मेकर बुचर के डैड को ही रिप्रेजेंट करता है। और बुचर के इस कन्फेशन से कि उसे खुद भी पता है कि बैकी उसकी इस तरह से लाइफ जीने के तरीके को पसंद नहीं करती और उसके बावजूद भी वो उसी रास्ते पर चल रहा है, ये हमें दिखाता है कि बुचर सिर्फ एक रिवेंज में अंधा होकर ये सब नहीं कर रहा है बल्कि वो एक प्रॉपर साइको है जिसे लोगों को मारना और उन पर डोमिनेट करना पसंद है। खैर, एंड में बुचर अपने पापा के कॉफिन में मूत्र विसर्जन कर देता है और इस तरह से उनके खिलाफ अपनी हेट दिखाता है। और इसी के साथ द बॉयज कॉमिक वॉल्यूम 10 खत्म हो जाता है। तो इस वॉल्यूम में हमें बुचर के पास्ट, उसके 7 के खिलाफ मोटिव और उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बुचर अब बस एक वॉकिंग होस्ट है क्योंकि उसने अपने लाइफ में जिससे भी प्यार किया था वो सब अब मर चुके हैं। पहले लेनी, फिर बैकी, फिर उसकी मम्मी और अब तो टेरर भी मर चुका है। तो फिलहाल आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या बुचर एक साइको ही है या वो जो करता है और जिस तरह से करता है वो सही है, इस बारे में लिखिएगा ज़रूर। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़ेनी फाइल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।